नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता शाम एक किसान। कविता के नाम से ही प्रतीत होता है कि इस कविता में शाम के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। और किस मौसम की शाम का प्राकृतिक दृश्य है? जाड़े की संध्या का प्राकृतिक दृश्य इसमें वर्णित किया गया है। और यहाँ पर रूपक बांधे गए हैं, कई सारे रूपक। अब यह रूपक किस प्रकार बांधे गए हैं, यह आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही समझ आ जाएगा। पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कठिन शब्द साफा, अंगोछा या गमछा भी उसे कहा जाता है। दहक अर्थात जलना। पलाश एक फूल का नाम है जो कि लाल रंग के होते हैं। भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों के झुंड के समान। औंधी अर्थात उलट कर रखी हुई। आइए पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कल्पना की है कि जाड़े की शाम है और जाड़े की संध्या के समय पहाड़ किसके समान प्रतीत हो रहा है? पहाड़ मानो एक किसान है और उसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफे को बांधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता, वह पहाड़ क्या कर रहा है? सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, चिलम से हुक्का पी रहा है, इस प्रकार वह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर रूपक कैसे बांधा है? आकाश का रूपक साफे के साथ बांधा हुआ है और सूरज को चिलम कहा गया है। इसी प्रकार पहाड़ एक किसान है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, नदी प्रवाहित हो रही है, वह कवि को कैसी प्रतीत होती है? मानो सर्दी के कारण पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ ली हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पहाड़ के पास ही एक जंगल है, पलाश का जंगल। तो वहाँ पर पलाश के लाल लाल फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मानो सर्दी से बचने के लिए पहाड़ ने अंगीठी जलाई हुई हो और लाल रंग के कारण ही पलाश के फूलों से अंगीठी के दहकने की तुलना की गई है। यह भी एक रूपक है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब पूर्व दिशा की ओर से अंधकार होना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, होने ही वाला है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्व दिशा में भेड़ों का झुंड सर्दी के कारण सिमट कर बैठ गया है। अचानक बोला मोर, और अभी तक शांति थी, शाम का दृश्य था। तभी क्या होता है कि मोर बोल पड़ता है और जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? मोर के बोलने की आवाज़ कैसे प्रतीत होती है? मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। किसी ने क्या कहा? सुनते हो? तभी दृश्य परिवर्तित हो जाता है। कैसे? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। तभी सूरज डूब जाता है और सूरज का डूबना, पश्चिम में सूरज का डूबना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो चिलम पहाड़ खींच रहा था, हुक्का पी रहा था, वह उलट कर रख दी गई, उल्टी हो गई। और इसी प्रकार सूरज डूब गया और आसमान में अंधेरा छा गया। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है जाड़े की शाम का। आशा है आपको कविता पसंद आई होगी।